हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और जैसा कि रमज़ान मुबारक जो है वो ख़त्म होने वाला है, और ख़वातीन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक होती है वो जो मैं आज करने आई हूँ, और आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं क्या यहाँ पे करने आई हूँ आज। तो मतलब जिस बंदे को मेरा चैनल जो है वो मतलब मेरी वीडियो पसंद है किसी को, तो वो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के एंड पे सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मेरी मिलती रहे। और दूसरी बात ये कि 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं मेरे हैशटैग पे, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग गाइस। इसी तरह यहाँ पर मुझे सपोर्ट करना है, और यूट्यूब पर मुझे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि अभी मतलब इतनी सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिल रही यूट्यूब की। जैसा कि आप जानते हैं मुझे डॉक्टर तंजीला साबिर, और आप देख रहे हैं आपकी बहुत ही प्यारी डॉक्टर तंजीला साबिर ब्लॉग्स का चैनल देख रहे हैं। तो अब आप देखते ही देखें कितनी खूबसूरत और इतनी ख़वातीन यहाँ पर शॉपिंग करने आई हैं। देखें ज़रा, देखें इसमें मर्द एक भी नहीं मुझे नज़र आ रहा। तो गाइस मैं आप लोगों से बातें करती करती गलत जगह पे आ गई, और अब मेरा टाइम इतना वेस्ट हुआ है। मैं फिर घूम के इस तरह से इस तरीके से घूम के सारा फिर मैं जाऊंगी दूसरी साइड से क्रॉस करके। तो मैं जिस शॉप से मैंने शॉपिंग करनी है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और पीछे आपको नज़र आ रहा होगा जैसे ये पीछे लिफ्ट है। और आप जानते तो हैं क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, और ये सामने जूतियों की शॉप है, लेकिन अभी मैं जूतियाँ नहीं खरीदूँगी बिकॉज़ अभी मुझे लेने हैं कपड़े, और फिर जब पैसे बचे तो फिर मुझे लेने होंगे जूते। सो अब मैं जाऊँगी, और मेरा टाइम बड़ा ही वेस्ट हो गया। अब मैं चल चल के आप लोगों से बातें करती करती इधर आ गई हूँ, और जैसे आप देख सकते हैं सांस फूल चुकी है मेरी, और मैं पता नहीं किधर किधर घूमने लग गई, और अब मुझे फिर रास्ता भूल गया था। और अच्छा, और दूसरी बात ये कि अगर वीडियो थोड़ी ख़राब शराब बने तो आप लोग थोड़ा सा वो कर लीजिएगा माजरत उससे, बिकॉज़ आज मेरे साथ मेरा कैमरामैन नहीं है, तो इसी तरीके से आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे देखते रहो, और मतलब व्लॉग को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखना है। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये ऑडियंस की सपोर्ट है जो बंदे को ज़ीरो से हीरो बनाती है। तो आप जैसा कि सामने देख सकते हैं ये, अच्छा अब आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना किस किस ने ईद की शॉपिंग कर ली, लड़के भी और लड़कियां भी। लड़कियां ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा शॉपिंग की शौकीन होती हैं, इसीलिए मैं पहले ही आज पहुंच चुकी हूँ। और ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है इधर, और सब देखी जा रही है, मुझे शर्म आ रही है। और अच्छा, और दूसरी बात ये है कि मैं प्यारी लग रही हूँ कि नहीं प्यारी लग रही, वही तारीफ़ कर दो भाई कमेंट्स में। और तो जी कपड़ों की दुकानें मेरे पास आ चुकी हैं, और अब मैं देख रही हूँ कि मैंने कौन सी शॉप में जाना है। तो मैं सबसे पहले जाऊँगी सो कमाल में, और देखूँगी बिकॉज़ उसकी मैंने वो देखी थी। अब देख लीजिएगा जिस तरह की वीडियो रिकॉर्ड हुई, आप लोग थोड़ा उसको कर लीजिएगा, मतलब बर्दाश्त कर लीजिएगा, बिकॉज़ मेरे साथ मेरे कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं है आज। तो देखते हैं हम किधर जाते हैं, मैं किधर से शॉपिंग करती हूँ, और फिर आपको एंड में हर पेज का रिव्यू करेंगी, हर स्टोर का रिव्यू करूँगी कि किसकी सबसे अच्छी जो है वो मतलब वैरायटी सबसे अच्छी आई है, ताकि आप लोगों को भी वो हो जाएगा, ईजी हो जाएगा आने में, और जब आप आओ और यहाँ पर शॉपिंग करने हो। अब जाते वक्त मैंने इस लास्ट टाइम मैंने किसी और शॉप से खाई थी आइसक्रीम, इस दफ़ा मैं कहीं और से खाऊंगी। और ले जी हम एंटर हो चुके हैं अलकरम स्टूडियो के अंदर, और ले जी एक सूट हो चुका है डन, और अब मैं जाने लगी हूँ नेक्स्ट शॉप में, देखते हैं वहाँ मुझे और भी वैरायटी पसंद नहीं आई। तो जी फिर से मैं घूम चुकी थी, और अब मैं एक और शॉप पे आ रही हूँ बनंजा सतरंगी पे, देखती हूँ यहाँ पे मुझे कुछ पसंद आता है कि नहीं। एक और शॉप थी BWT एक ब्रांड है, उसकी शॉप पे मैं गई तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। तो अब मैं जाऊँगी बनंजा सतरंगी पे, जैसे कि आप ये पीछे देख सकते हैं। ये ले जी अब मैं अगले वाले फ्लोर पर पहुँच गई, तो जी अब मैं जाने लगी तीसरी शॉप पे और कुछ तीसरा सूट खरीदने। तो देखते हैं मुझे क्या पसंद आता है, और दोबारा से कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और क्या करना है शेयर भी करना है, ठीक है।
तो फाइनली मैंने अपनी मम्मा का भी सूट ले लिया और अपने भी कुछ ले लिया, और अभी भी मेरा दिल नहीं भर रहा कि मतलब दिल कर रहा है बार बार कपड़े खरीदी जाओ। सो उतनी देर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें प्लीज़, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और शॉपिंग मैं मतलब ईद की शॉपिंग का अलग से एक ब्लॉग बना दूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा और कितने में ख़रीदा और कहाँ कहाँ से ख़रीदा, और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि मैं फूड कोर्ट में आ चुकी हूँ और मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी शॉपिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी मैंने कुछ और ख़रीदना है। अभी तो मैंने इतना कुछ ख़रीदा है, ये आप देख सकते हैं, एक बैग, दो बैग और तीन बैग, ठीक है। अभी मैंने जूता ख़रीदना है, बैग लेना है, और खवातीन की तो वैसे ही शॉपिंग पूरी नहीं होती और सारा साल मैं ख़रीदती रहती हूँ, फिर भी मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। जब मैंने कहीं जाना होता है ना तो मैं कहती हूँ लो मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है, अम्मी अबू कहते हैं तुम तो बनाती भी रहती हो कपड़े, इतने तुम्हारे पास कपड़े होते हैं फिर भी तुम कहती हो अलमारी खाली है। और आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है तो कमेंट्स में मुझे बताएं, और देख सकते हैं। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, मैंने रोज़ा नहीं रखा हुआ था, आज मैंने अलार्म लगाया था, 2:30 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन मेरी आँख खुली 3 बजे, और 3 बजे मैं फिर अलार्म बंद करके फिर सो गई। और मैंने कहा नहीं अभी टाइम नहीं हुआ, जब उठी तो 4:36 हो चुके थे, और मैंने मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि आज 25वां रोज़ा था और मैं नहीं रख सकी। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं 25 वाला रोज़ा ज़रूर रखूँगी, और इसीलिए मैं कुछ खाने लगी हूँ। और मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, साथ में एक वो डील थी और डील को मैंने मतलब अवेल किया, और एक पिज़्ज़ा है जिसमें 1% डील थी क्योंकि मैं अकेली हूँ और मैं वो डील खाऊँगी। अगर आप लोगों ने खाना है तो मुझे कमेंट में बताएं। सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर बंदा शॉपिंग करने आए और कुछ खा के ना जाए, इस तरह का तो केस जो है वो नामुमकिन है। तो ये मैंने अपना ऑर्डर करवा लिया है, पिज़्ज़ा है, साथ में कोक है, और मैं खाऊंगी और फिर यहाँ से रवाना हो जाऊंगी। तो लो जी मैंने अब खा लिया है खाना और अब मैं जाने लगी हूँ नेक्स्ट शॉप पे। पता नहीं अब मैं क्या ख़रीदती हूँ, सब मैं आपको बताऊंगी कि देखते हैं हम किस नेक्स्ट शॉप पे जाते हैं या फिर मैं घर वापस जाती हूँ। तो फिर असी लोकल मार्केट तो चीज़ें खरीदेंगे, तो अगर इतों ना कुछ पसंद है तो फिर असी लोकल मार्केट जिंदाबाद। तो हमें पंजाबी भी बोलनी चाहिए, इतना जो है वो मम्मी डैडी बन के नहीं रहना चाहिए। तो मुझे पंजाबी भी आती है, ठीक है। तो जिस जिसको पंजाबी आती है वो कमेंट में बताएं कि मुझे पंजाबी आती है तो पंजाबी तालू पसंद है, बिकॉज मैं लाहौर मतलब मैं लाहौर से हूँ। तो इसी तरह ही आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखते रहना है और मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, प्लीज़ बार बार कह रही हूँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और शॉपिंग तो आपको दिखा दूंगी मैं, इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, मतलब मेरी वीडियो मिल जाएगी, स्टोरी पे लगाऊंगी, और इस तरह भी मिल जाएगा आपको। यूट्यूब का अलहदा से एक ब्लॉग भी बना दूंगी, अगर मुझे ज़्यादातर लोग कहेंगे कि आप अपना ईद का ब्लॉग शेयर करें, ईद का ब्लॉग नहीं, ईद की शॉपिंग का जो है वो बताएं आपने कहाँ कहाँ से शॉपिंग की है, तो फिर मैं आपको वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं वापस नहीं जाने लगी, कुछ देखती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदना है। तो आप लोग मेरी हेल्प करें क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ और मुझे कुछ डिसाइड नहीं हो रहा, घर वालों को वीडियो कॉल की उन्होंने अटेंड नहीं की। तो अब मैं खुद ही से ही जो भी ख़रीदूँगी, पता नहीं अब घर वालों को पसंद आता है कि नहीं आता, लेकिन मुझे यकीन है मेरी ऑडियंस को पसंद आएगा जो भी मैं ख़रीदूँगी। और देखते हैं अभी चलते हैं। जी जैसे जैसे रात हो रही है, शाम हो रही है, इफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो रश बढ़ता जा रहा है और मैं शॉपिंग करके मैंने इधर से निकल जाना, ठीक है। तो अब सब देख ही जाओ ना, देखो ना भाई मुझे, तो जैसे कि आपको दिखा सकूं मैं। तो जी ये गाड़ी वाला आदमी भी आ गया है, इसको रिकॉर्ड करना था, लास्ट टाइम आपको दिखाया नहीं था ये मैंने। इस टाइम मैं फुल जो है वो फ्रेश हूँ और मतलब थकी भी हूँ ना, थोड़ी थोड़ी थकी भी हूँ, सुबह की शॉपिंग करने आई हूँ। तो एक तो मुझे कुछ पसंद नहीं आता, पसंद आ जाता है तो फिर मैं फटाफट खरीद लेती हूँ वो चीज़। तो अब मैं जाऊँगी वो नीचे जो आपको एक शॉप नज़र आ रही है उधर जाना है मैंने, नीचे से क्रॉस करके। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें गुजरते गुजरते।
मुझे लग रहा है आज ना वीडियो सही रिकॉर्ड नहीं हो रही मेरे से, बिकॉज मैं तो वैसे ही फ्लॉप कैमरा मैन हूँ, मैं नहीं वो मैन हूँ। वैसे हमारी आवाम कहती है कि बड़ी जी महंगाई करती इमरान खान ने, तो बड़ी महंगाई हो गई है, हुकूमत तो बहुत महंगाई करती है। और जब हम देखें शॉपिंग मॉल्स बाज़ार वो बिल्कुल ऐसे भरे होते हैं जैसे कभी कोई महंगाई हुई नहीं है। तो मतलब पंजाबी में कहते हैं कि ड्रामे करते हैं साड़ी आवाम जी ने, ड्रामे करती है मतलब शॉपिंग मॉल। पैसे हैं तो आप लोग इधर शॉपिंग करने आए हो ना, मैं भी यही कहती बड़ी महंगाई करती है, लेकिन मैं देखो इधर कितना कुछ खरीद के जा रही हूँ यहाँ से। लो जी अब हम नीचे जाने लगे हैं और नीचे देखते हैं क्या हमें पसंद आता है और हम क्या ख़रीदते हैं। तो इसी के साथ ही होता है मेरे ब्लॉग का एंड। आई हैव डन माई शॉपिंग और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा डॉक्टर तंजीला साहब के ब्लॉग्स। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मैं बनाऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग, वो भी ईद की शॉपिंग का।